अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे स्मोक्ड मटन चॉप्स। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं आधा किलो मटन चॉप्स। इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टी स्पून जाएगा इसमें नमक और 1/2 टी स्पून जाएगी हल्दी। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप पानी, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक का वेट करेंगे। फिर जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो करके इसको कवर करके कुक करेंगे तकरीबन 30-40 मिनट्स के लिए, ताकि मीट जो है वो टेंडर हो सके। 40 मिनट्स के बाद हम इसका फ्लेम हाई कर देंगे ताकि जो इसमें पानी है वो ड्राई हो सके। और फिर फ्लेम को हम ऑफ करके इसको साइड पे निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। इसके बाद हम एक बाउल में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 3/4 कप जाएगा इसमें दही, 1/2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, 1/4 टी स्पून जायफल जावित्री पाउडर और 1/2 टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें चांपे ऐड कर देंगे। फिर हम इसको मिक्स करके इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। फिर एक पैन में डालेंगे अराउंड 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इसमें फिर हम चांपे ऐड कर देंगे ताकि ये फ्राई हो सकें। आखिर में जो मसाला बच जाएगा वो भी हम इसके ऊपर लगा देंगे और फिर इसको कवर करके कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट्स तक। 5 मिनट के बाद हम इसको पलट लेंगे और फिर कुक करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसमें कोयले का धुआं दे देंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए और फिर हम इसको सर्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।